सभी जनों को राम राम भज्जाओ। आप सभी जनों को स्वागत है पिंटू के ब्लॉग के एक और नए यूट्यूब वीडियो में। तो जीतू चल रहा है क्या स्कूल है? है वही अपन पुराने स्कूल मिडिल स्कूल बचपन के में कहा कह रहा है चल रहा हूँ तो चलो नहीं पर हम जावे फिर नहीं जा रहा है तो भज्जाओ अपन चलिए। आज अकेले जीतू तो मना कर रहे हैं मिलाते हैं स्कूल में। आज आप लोगों को देखा है कि अपन बचपन में जो से स्कूल में पढ़ते आज बाकी का हालत है और अपनी बचपन यादें जो है ताज़ा कर रहे हैं। सक्षम कहा कह रहा है सक्षम है जी हमारे सक्षम कह रहे हैं जी हमारे सपुत्र रहेंगे कह रहे हैं बोले हम भी वीडियो में आएंगे तो हमने इनको एक आप मुसाफन को दिखा दो जी हमारी प्रगति इसी हमारी पुत्री हैंगी तो जी जी और इनको भी वीडियो को शौक लगा तो थोड़ा बहुत दिखाई देता आपको। अब चलाते हैं आपसे बातें कर रहे स्कूल में तो अब अपन स्कूल में चल रहा है तो अपन जो स्कूल में पढ़ते तो कैसी पढ़ाई होती कहाँ पढ़ाई होती कौन से स्कूल है तो और संगे संगे अपन सोटाधारी के भी दर्शन कराएं मतलब बब्बा जू के मुगधरधारी के तो भैया वो जो अपन गली को संतोषी माता को और ठाकुर बाबा को मंदिर है। अपन जो रास्ता पीछे के रास्ता से होते भाई जा रहे हैं अपने स्कूल की तरफ जहाँ अपन पढ़ते बचपन गुजारो है बचपन की यादें हैं तो वो सब आप लोगों के साथ अपनी यादों को ताज़ा करें और शेयर करें। तो भैया हम ब्लॉग बना देंगे तो कहा है कि हमारे गांव में ना यूट्यूब को प्रचार प्रसार कम है लोग बाग कम जानते हैं कि यूट्यूब से क्या का हो सकता है तो जब अपन ब्लॉग वीडियो बनात जाते हैं तो उन लोगों को थोड़ी हंसी सी याद होने लगा जो क्या कर रहा हो कैसो कर रहा है। लेकिन यार अब जब ये देखेंगे अपनी भाषा का ग्रोथ हो रही है या का ग्रोथ अपन कर रहे हैं आगे चल के भविष्य में तब उन्हें यूट्यूब की पावर को पता चले या सोशल मीडिया की पावर को पता चले। बाकी जो सब लोग वीडियो देखते हैं उनको तो मालूम ही है कि सोशल मीडिया की पावर का है। तो भज्जाओ अब अपन आ गए हैं ताल मोहल्ला पे ताल वाला मोहल्ला बजत है वो और जो मंदिर है इधर शंकर जी को और आधा माँ वैष्णो देवी को मंदिर है हमारे गाँव को बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। जी आ गया हमारे हरिशंकर कुमार साहब बहुत ही मस्त माला आदमी है कह रहे बना रहे बोले बहुत चल रहा है यूट्यूब पे तो अपन जा रहे हैं आज अपने जो बचपन को स्कूल है अपना मिडिल स्कूल तो बाकी यादें जो है बचपन की ताजा कर भी जा रहे हैं कहाँ पढ़ते कैसी सताई गलती सूत के और कैसी पढ़ाई होती वो तो आप को मालूम हो जाए तो थोड़ा बहुत तक शेयर करो दर्शकों के साथ सताई गलती और पढ़ाई भयंकर पढ़ाई होती है और सताई भी गलती हो जब तो माँ बाप से कछु नहीं कह पाते। हाँ और अब जो इस तरह अब जो इस तरह होगा कि बच्चा को ऐसे दे रहा है मम्मी आ जाओ जो हाल है जो हाल है जब वजह से इस तरह जो है शिक्षा को डाउन होगा। अपन चाहे थे कि बूढ़े पुराने आदमी से पूछ ले जौन जौन ने समय गुजारा है पुराने स्कूल में पुराने टाइम में तो वे सभी बताते हैं पढ़ाई कैसी होती और नहीं होती तो कैसी सटाई गलती खींच गए हाँ हड्डी टोर गलती और मांस खींच लेते हैं मास्टर ऐसी करते जो आ गए हैं अपन अपने स्कूल पे और जो स्कूल की बिल्डिंग मतलब बाहर से देख लो कैसी दिख रही है कि मतलब पुराने समय जैसी हो गई है काफ़ी टाइम होगा बिल्डिंग को बने बने तो जो है स्कूल अब अंदर प्रवेश कर भी की रास्ता पहले देखो हमने आपको अभी दिखा दी बिल्डिंग वहाँ से बिल्डिंग पुरानी सी थी तो पहले वहाँ से रास्ता आती लेकिन अब जो हो गई है रास्ता हमने गेट से एंट्री कर ली है स्कूल में और अपन अपने स्कूल में जहाँ पढ़ते वहाँ पहुँच चुके हैं। तो जो है भैया देख लो अपने स्कूल जहाँ अपनी पढ़ाई लिखाई भाई 8 साल तक को जीवन गुजरो देखो हम दिखा रहे कैमरा के माध्यम से और हमारे टाइम पे काका आतो कैसा हो तो सो आपको एक करके एक्सप्लेन कराते मतलब समझाते हैं कि जब हमारा कक्षा एक में दाखिला हुआ तो पहले देखो ना तो नर्सरी चलती ना KG1 ना KG2 सीधी कक्षा एक चलती तो जो है वो स्कूल जहाँ में हमारा कक्षा एक में दाखिला हुआ तो और जहाँ स्कूल में हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई थी देखो जो मेन गेट है तो जहाँ से हम लोग एंट्री करते स्कूल के अंदर देखो जो गेट है और जो स्कूल है जहाँ से एंट्री करते और देख लो आप लोग यहाँ लगती क्लास दिखा रहा हूँ बोर्ड सामने वो बोर्ड है तो वहाँ पे लिखाई होती और जो इतनी मैदान डरो जहाँ पर हम लोग तार पट्टियों पर बैठते बढ़िया नीचे और बस ताली आते अपने अपने तो यहाँ बैठ कर पढ़ाई होती और यहाँ डरती सर की कुर्सी जो दिखा रहा हूँ सामने यहाँ कुर्सी डरती ऐसी सुपाई होती ऐसी पेल के मारा गलती क्योंकि वो ध्यान रखा तो दो चार दिन आ तो कि हाँ घली हैगी और मुर्गा बनाते सो अलग टांगन में हाथ डार के और कान पकड़ के बने रहो मुर्गा कुकड़ुक्कू। प्रिंसिपल ऑफिस है तो देखो जी खिड़की दिखा रही हैं आपको जो प्रिंसिपल ऑफिस है तो और बात समय पर देखो भैया किताबें फ्री बटती खिलवे की बहुत सारी चीज़ें आती और जी आप पेड़ दिख पा रहे जो बरगद को पेड़ है और जी पीपल के पेड़ हैं जी पहले इतने कछू नहीं आते मैदान एकदम सपा चट्टा तो साफ और जो देखो इतने पिच बनी जो बैट बॉल खेल भी खिलाने तो जो पिच जो है बीच हम बीच बनती बीच मैदान में बनती और जो अब आप देखो पेड़ यहाँ देख पा रहे हैं जो पेड़ लगे ना
और जो बिल्डिंग बन गई थी बड़ी स्कूल की, जो कछु नहीं आती, एक बबूल को पेड़ों खड़ा तो और बाउंड्री खड़ी थी, और सामने जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं आप है ना अभी, पहले कछु नहीं आता, अब जो सरकारी बिल्डिंग बन गई है, और पहले है ना भी दो बबूल के पेड़ खड़े थे और सरकारी बाउंड्री वॉल थी और कंप्यूटर कक्षा को यहाँ जो पेड़ खड़े होंगे, जो कंप्यूटर कक्षा तो 5 पास हो जाती थी। देखो हमारे टाइम पे 5 बी में परीक्षा जो है बोर्ड की आती है, हम लोगों ने 5 में बोर्ड के एग्ज़ाम दें, हमारे पास मार्कशीट है बोर्ड के एग्ज़ाम की 5 की, तो बोर्ड के एग्ज़ाम दें और बोर्ड के एग्ज़ाम पास कर भी कर 5 पास करो पहले बहुत मान हो जाता कि बोर्ड के एग्ज़ाम 5वीं कक्षा पास कर ली है, फिर बाकी बात पास हो गए एक बार जो वाली बिल्डिंग में जाते हैं, पीछे देख पा रहे हैं आप पेड़े खड़े हैं और जो इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखा रही है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जहाँ में हमारी 6 से 8 तक की पढ़ाई होती, और पहले बच जाओ चाहे तुम 6 में हो चाहे 8 में हो चाहे 1 में हो चाहे 5 में हो, अगर तुम नहीं पढ़ रहे मकड़े आ रहा है और तुम हदरे आ रहा है और तुम ऊधम कर रहे तो पहले तो डंडा रखी जाती अच्छे सूखे सुखाए, और एक रखी जाती फुकनी, अगर डंडा नहीं मिला तो फुकनी गलत थी, और मुर्गा बनाते सो अलग, और ऊपर से ले दे तेरी हता दे तेरी हता, मतलब ऐसी मराई होती कि एक यूनिवर्स सिलेंडर हो जाए, और क्लास नहीं लगती। ये 2 क्लासें अपन को दिखा रहे हैं कि एंट्री करने वाले गेट्स हैं, शायद 6 की जामें लगती, 7 की जामें लगती और 8 की बामें लगती, और बगल में होते प्रिंसिपल ऑफिस होते, एक्स्ट्रा रूम आते सामान वगैरह भरो, तो बाकी बात तो फिर बहुत कछु निर्माण कार्य होता है, जैसे रसोई बन गई है कि, और जो बब्बा जू को जो मंदिर देख रहे हैं आप सब जने, पहले जो चौतरा देख रहे हैं आप, चौतरा पूरा खुलो, चौतरा बनो तो खुलो मंदिर बनो तो पेड़न की बढ़िया छाया रखती और पूरे चौतरा पे पाटें बिछी थी, फिर धीरे धीरे समय निकलते गो तो बब्बा जू को बढ़िया भव्य मंदिर बन गो। तो भाई साहब वो 26 जनवरी याद थी, तो जो है 26 जनवरी को इतने झंडा गड़ तो, और जो इतने एक बड़ी ग्राउंड में हो पूरे में जितने भी स्कूल के बच्चा हैं, जितने भी स्कूल खुले हैं, सबरे मास्टर और बाकी छात्र छात्रा यहीं आते, यहाँ होकर बढ़िया झंडा वंदन हो तो और तिरंगा फहराओ जाता तो बाग के बाद 26 जनवरी को कार्यक्रम मनाओ जाता तो यहाँ शीशम को पेड़ खड़ा तो वहाँ पर चढ़ते और खूब सुली डंडा खेलते। सुली डंडा जाना तो कैसे कहते नहीं जाना था आप सब लोगों के लाने हम बता देते हैं कि आप सब लोग मान लो कि जैसे जो पत्थर है पेड़, और पेड़ के नीचे हमने यहाँ एक बना दो सर्कल या सौ जो बन गए सर्कल, और जो हमने जहाँ में रख दो डंडा, अब एक आदमी जहाँ पर धाई रहती, धाई को मतलब जाना तो कि जो काउ को जो आदमी को दूसरे व्यक्ति को छीने है, तो जहाँ पर धाई रहती वो आदमी नीचे रहता, बाकी सब डंडा उठाए वाले पेड़ के ऊपर चढ़े रहते, तो पेड़ के ऊपर पेड़ की शाखन से लटक लटक के जब आदमी को वो ऊपर चढ़ते हो, जो नीचे डंडा रखा वालों ऊपर आदमी उनको पकड़ बिकला छिवकला चढ़ते तो ऊपर वाले नीचे से कूदते डंडा को उठा लेते चूम लेते और फिर बागों अपनी टांग के नीचे से गिज देते जाको कत्ते सुलई डंडा, और गिज्जे के बाद फिर जो आदमी पर धाई रहती वो उठावे जाते तो फिर आते फिर सलकर में डंडा रखा तो अगर जल्दी पल दिया जाते छीले तो नहीं छी पाए तो फिर आते दौड़ गो फिर कोशिश कराते तो जाको सुलई डंडा को खेल हमारे यहाँ कहो जाते जाओ। सबसे ज़्यादा देखो हम तो पढ़ाई में ऐसे गधा से रहते मतलब कमज़ोर रहते, तो जो मैदान पर हम ज़्यादा समय न करो, खूब हमने बैट बॉल खेली, खूब बैट बॉल के खिलाड़ी रहे मतलब ऐसे खिलाड़ी रहे कि पढ़ाई पर कम ध्यान रखते और बैट बॉल पर ज़्यादा ध्यान रखते, सवेरों यहीं हो रहा तो शाम भी यहीं होती बैट बॉल में, ऐसे बैट बॉल के खिलाड़ी आते थे। यहाँ एक भाई और बब्बा बैठते जब हमारी रेस्ट हो जाती, रेस्ट का मतलब है जब लंच हो जाता तो यहाँ बढ़िया भी चना मटर नींबूगा डालती और वहाँ जामफल ले आती, कहूँ बियर ले आती, कहूँ खीरा ले आती, तो 2-5 रुपया जो भी मणि वाला ले आते बढ़िया मज़े से उनके खाते, बहुत मज़ा आता। मतलब हम लोग आप लोगों के लाने कहाँ कहाँ बताएं, बहुत कछु यादें जुड़ी हैं हमारे जहाँ स्कूल से, 8 साल को जीवन हुआ जय स्कूल में गुजरो है, 1 से 8 तक हम यहीं पढ़े हैं। और एक बार तो कहा देखो हम आप लोगों को बताएं कि जो कंप्यूटर कक्ष है वो जो बनो हमने आप लोगों के लाने दिखाओ तो है ना, तो एक बार दीदी ने और सरोवरन ने कही चलो आज कंप्यूटर क्लास सब बच्चन को सिखावे कैसे का चालू होते का होते, तो उनने पहले हमें सिखाओ मतलब हमें नहीं और भी बच्चे आते क्लास के सब लोगों को बताओ कैसे कंप्यूटर चालू होते बंद होते, और शिक्षाप्रद कहानियाँ दिखाई पहले DVD के माध्यम से दिखाई जाती हैं, DVD आती तो बाकी माध्यम से दिखाओ, तो हमें जो है कंप्यूटर के बहुत उत्सुक रहे हैं, मतलब हमें उत्सुकता बचपन ही से थी कि हम कंप्यूटर सीख ले अच्छा और सीख भी हमें अच्छा लगा, तो मैडम और सर भग गए और एक जगह कंप्यूटर और रखो तो जहाँ में 3 कंप्यूटर रखे रहते कि शायद 4 रखे रहते, तो हम दूसरे वाले रूम में घुस गए बगल वाले में और हमने कंप्यूटर चालू कर लाओ, अब हमें हाथ तो कछु ही नहीं होता भुजी भांग भगा रहो, हम तो घुस गए और चालू कर लाओ, अब हमें डर लगा कि हम बंद कैसे करें, अब हमारी पिटाई ना गले सर ना आ जाए मैडम ना आ जाए, तो ऐसे में एक सर आ गए उन्हें क्या कर रहे हैं हमने कछु नहीं, तो उन्हें फिर भगा दा, उन्हें फिर बंद कर दो ये चालू कर दो बेचारे,
तो मतलब कंप्यूटर की उत्सुकता रही तो हमने खुद ही चालू कर लिया, तो छोटे में चालू कर वो सीख गए थे हाल ही। और भैया बैट बॉल को तो बहुत ही ज़्यादा शौक आता, खूब बॉलिंग कर लेते हम जैसे ही वही करते यार, मतलब अपने एरिया के हिसाब से तो ऐसा होता कि तेंगा कर लेते हैं का जाना ऐसा होता, लेकिन जब जी करते बॉलिंग भी कर लेते बैटिंग भी कर लेते तो कभी कभी बॉलिंग ख़राब भी चली जाती है, और भाई फेंकवे में ज़्यादा रिकॉर्ड रहा हम स्पेशली। लेकिन कछु समय ऐसा रहा कि हमारी अच्छी बैटिंग हो गई थी और जा ग्राउंड में तो हमने खूब चौका छक्का बरसाए, अपनी मन मर्जी से जा बॉल पर देने हो तो वही पर दे देते। कहे कि यहाँ 8 साल तक को जीवन बीतो है तो बहुत होता है, 8 साल तक को जीवन, 8 साल में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। और ऐसे वीडियो में अगर हम बता जाएंगे तो 1.5 घंटा को वीडियो खिंच जाए। तो अब चलाते हैं अपन बब्बा जी के दर्शन करा भी, कहेगी अपन भी बहुत समय बाद अपने स्कूल में आ रहे हैंगे और आप सब लोगों के साथ जो ब्लॉग वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो बात तो देखो साँची है, आज को जो शिक्षा को टाइम है वो बहुत ही ख़राब होगा। पहले जो है बहुत ही अच्छा होता, बच्चा पढ़ भी आते सरकारी स्कूल में और बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती, हम कह बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती जो आज के प्राइवेट स्कूल नहीं दे पाए मोटी मोटी फीस लेकर, बात भी अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूल में होती, डेली टीचर आते डेली बच्चा आते और जाए स्कूल जो है छकाचक भर होते मणिमोड़न से। और जो है अगर मणिमोड़ा नहीं पढ़ते तो ऐसी मार गलती मताई बाप जो कह देते कि मार था वो मांस मांस तुम्हारा और हाड़ हाड़ हमारे, समझ रहे हैं, यानी कि जो अपने शरीर पे जो मांस है जो खाल चढ़ी है जहाँ में तुम जितने मार देना चाहो तुम्हारी तुम्हारा है और हाड़ बचे तो हमें दे दीजिए। और बच्चों जब हम 1 से 5 तक की क्लास में पढ़ते तो पढ़ने के टाइम में जैसे क्या होता है कई टाइम में मार घर को टाइम आते या कभी याद नहीं करे आते या पढ़ लिखा तो या होमवर्क नहीं कर वो तो सुटाई गली को टाइम आता तो पहले हम हो रहे हैं क्या करते 1 से 5 तक के टाइम में तो एक खिड़की आती 2 में से हमें अब एक एंगल लग गई कहूँ भी लगवाई हो मतलब जब स्कूल बंद होने से पहले तो एक एंगल खिंची आती जहाँ में सो और जहाँ में से सांस आती तो जहाँ में से फेंकते बस्ता दुआ रहे और जही में से खुलक के आते नीचे यहाँ कूद जाते और बस्ता उठा के यहाँ देखो जो अब जो है यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल होगा है 1 से 12 तक को तो वाकिल आने बिल्डिंगें चल जाती तो सरकारी जगह रही थी सरकार ने यहाँ पूरी बिल्डिंगें बनवा दी मैदान में पूरा मैदान खाली डर रहता तो फसल होती जाम है और यहाँ से हम लोग बस्ता फेंक बस जो बाउंड्री वॉल बन गई यहाँ से पीछे से पट्टी देते हुए घर के लाने तन जाते और फिर जैसे अगर घर नहीं जाना तो कदम भी टाइम पास करके स्कूल की छुट्टी के टाइम पे पहुँचाते ऐसा करो अमोरन ने ऐसा उदम करो ऐसा जलवो करो खूब सुटाई खाई और पढ़ाई भी करी और खेलो भी है बब्बाजू के दर्शन। देखो पहले यहाँ नल अकेलो है तो अब बढ़िया हमारे साहब ने यहाँ नल वगैरह लगवा दें हैं कि आप बस टोटी खोलो तो पानी आ जाता है और अपने हाथ पाँव धोकर बढ़िया जो बब्बा जी को मंदिर है यहाँ दर्शन तो बच जाओ अब कर लो सोटाधारी के दर्शन बब्बा जी के दर्शन। देखो जे हैंगे मुगदरधारी और ये स्कूल के हनुमान जी महाराज हमें मनसापूर्ण हनुमान जी महाराज के नाम से जाने जाते हैंगे तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से श्री मनसापूर्ण हनुमान जी महाराज के दर्शन करा रहे हैं। जाओ अब बच जाओ अपन चलिए मंदिर के अंदर हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। देखो अपन मंदिर के अंदर आ गए हैं जी अपन बब्बा जी छोटा भाई मनसापूर्ण हनुमान जी महाराज के नाम से अपने मिडिल स्कूल वाले हनुमान जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। और ये भोले बाबा ये तो भोले बाबा है पूरे संसार में भोले बाबा है भोले हैं तो भोले ही हैं इनकी लीला जो है चमत्कारी है पता ही नहीं पता कब कहाँ कर बैठे कौन उनको वरदान दे दे मैं तो जो है इनको तो अब अपन दर्शन कर लेंगे फिर तो भैया अपन स्कूल में आए थे तो अपने ये छोटे छोटे भाई मिल गए एक इनको नाम है पुनीत और इनको नाम है अंकित तो चैनल के बारे में पूछ रहे थे कि क्या नाम से चैनल है बोले भाई हम आपको चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो देख कर वीडियो को लाइक कर रहा है तो आप सब लोग भी कर लो सब्सक्राइब कर लो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो दबा के ताकि जल्दी से जल्दी चैनल आगे बढ़ सके वीडियो को एकदम हर जगह है। हाँ देख लो भैया तो फैलाना जरूर है तभी तो आपके भाई को सपोर्ट हुए तो भैया बब्बा जी के दर्शन करो एक बार और स्कूल को सब कछु जितना भी ताबड़ तोड़म हमारे पास है तो आप सब जनों को बतावे के बाद अब अपन बढ़ रहे हैं घर की तरफ। लेकिन घर की तरफ जहाँ से आए थे बार रास्ता से नहीं जा रहा है पहले अपन जा रहा है बस स्टैंड कहा कि थोड़ी बहुत यार ऐसी आदत में आ गई कि थोड़ा बहुत शाम में कछु खा भी पी भी मिल जावे कि चलिए बस स्टैंड की तरफ ने टाइम पास हो जाए दिमाग फ्रेश हो जाए टहली आए कछु खा पी लें तो जे अपने अपने घर है जी पुनीत जा रहा है अंकित आगे बात कर रहा है चले जा रहा है घर की तरफ बड़े बड़े तो स्कूल में जो है अब मणिमोड़ा नन्या आएंगे नहीं जाओ बैट बॉल भी खिलाते और मणिमोड़ा को मैच होते अपन ने तो छोड़ दो एक हिना भी ग्राउंड है तो ठोका को अभी देखो धान डरी है जब जो धान हट जाए तो इना ग्राउंड खाली हो जाए खाली होगा तो यहाँ भी बैट बॉल खूब खिलाते हैं मस्त क्यों तो भैया वो आरा मशीन की रास्ता आ रहे थे तो हमें लगा रहा हूँ भाई साहब जिन्हें यार मतलब हम तो यार बहुत मानते हैं देखो काम दिल से बात बता रहे हैं जो हमारे हृदय में इनके लाने मतलब एक इज्जत है
वो अलग है। तो मैं लगा रहा हूँ भाई साहब तो इनसे मुलाकात हो जाओ जी, हमारे ऋतिक महाराज बैठे, तो मैं कहा बैठे जो बताओ मैडम सही बैठे लो। हाँ तो सही, हाँ अब बैठ गया तुम सही। तो हमने कहा इतना भी थोड़ा बहुत समय बिताओ जाए और आप लोगों को भी मिला जा रहा है ब्लॉग में। देखो जे कह रहा है कि जे गरीब है, कह रहा हूँ भाई साहब वो अगर जी महाराज गरीब हो जाए दुनिया का हो गया बताओ तुम। लट गाले सही कह, गरीब आदमी तो कौन कौन ही बच रहा हो अगर महाराज ऐसी कह रहा है तो हम जैसे उनको तो जाने कहा हुए। फिर महाराज वो कृपा कर रहे जो जो पाल आ गए तुम्हें। तो भैया वो घूमा दगामा तो अपन पहुँच गए दरबंद की चाट भंडार पे। इनकी चाट जो है भैया वो हमारे यहाँ इतनी फेमस है कि हम खुद में चैलेंज दें 500 रुपया को इनाम दें जो को इंदरगढ़ में और भांडर में इनकी जैसी चाट बना के खवा दे पे 500 रुपया हम इनाम दें। दतिया में मिलेगा स्वाद, मिले टक्कर को चाट को। और रेट सुन लो, रेट बताएं, रेट सुन लो। आलू की टिक्की मात्र 15 रुपया और करेला मटर वालों मात्र 10 रुपया और स्वाद ऐसा जो याद रह जाए। तो भज्जाओ अपन एक करेला खा लेंगे और बाकी बात घर की तरफ आगे बढ़िए और वीडियो को एंड करिए, है नहीं? तो भज्जाओ जे करारी करारी टिकियाँ दे लो कदे गजब की सिकी। और जो है चाट कलर देखो तुम, कलर ऐसे सब दिखा रहा हो ये कि चाट कितने गजब की है। और पूरे भांडर और इंद्रगढ़ तहसील में अगर जो चाट की को टक्कर दे जाए तो 500 का इनाम हम दें, दुकानदार कछु नहीं दे, इनाम हम दें 500 को। देख लो भैया जो लग रहा हो अपनो करेला और जाकी कीमत मात्र 10 रुपया है। आप शहर में जो 20 को मिले 25 को मिले लेकिन यहाँ आप 10 रुपया में करेला और मटर देखो प्याज डरी और टमाटर धना सब कछु डरो देखो दिखाएं देख लो। और जी अपने दीपक भाई हैं तेतने वाले, कैसा लगा तुम्हें माल धर्मेंद को? क्या फिर खात हो गई सप्ताह में? जब सालाना तब ही खात समझ गया। तो देखो भाई जी तेतना के हैं, तेतना हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर है। तो 8 किलोमीटर दूर से यहाँ देखो टिक्की खावे सब जने आउते हैं ताकि लोकल मार्केट हमारा सालों नहीं है सब जितने गांव को। और यहाँ जो इनकी धर्मेंद्र की चाट बहुत गजब की फेमस है बच्चा हो, सो अपनों को चलिए आप कबों कबों जब मन हो जाए मज़ा ले भी। तो लिंजे करेला को मज़ा फिर चलिए घर की तरफ, वीडियो को ख़त्म करिए। बहुत बड़ा वीडियो होगा भैया हो, बहुत बातें चीतें हो गई आज के जो ब्लॉग में और बहुत लंबा होगा आज को ब्लॉग। अब बस अपन घर की तरफ बढ़ रहे हैं और अंधेरों भी काफ़ी होगा है, आप लोग देख पा रहे हैं कितनी रात हो गई। हमारे यहाँ तो भैया 6:30-7 बजे तक रात हो जाता, अंधेरे हो जाता है। देखो भैया अगर वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दियो चैनल को, और वीडियो अच्छा लगो तो शेयर कर दियो सभी जने के लाने ताकि वे सब भी ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग वीडियो चैनल पर देख पाए। मिले अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लाने जय हिंद वंदे मातरम।